दोस्तों सबसे पहले हमारे एस्ट्रो आर्टिस्ट HP चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूले ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जमीन खरीदना, मकान बनवाना हर व्यक्ति का सपना होता है। अपने जीवन भर की खून पसीने की कमाई की पाई पाई बचाकर हर कोई अपने सिर पर एक छत की ख्वाहिश रखता है, तो उसकी अपनी हो, जो उसकी अपनी हो, जिसका वो मालिक हो। इस जीवन भर के ख्वाब को पूरा करने के लिए जब कोई जमीन या प्लॉट खरीदने निकलता है तो सबसे पहले मन में यही प्रश्न आता है कि क्या ये खरीदी उचित होगी, क्या यही जमीन है जिसे पाकर सारा जीवन सुकून से बीतेगा, जिस पर चार दीवारी तानकर जीवन के सब सुख हासिल किए जा सकेंगे। ऐसी मानसिकता के साथ संशय में झूल रहा है हमारा मन, कभी इस जानकार तो कभी उस पंडित के पास दौड़ लगाता है। इसके बावजूद सही मार्गदर्शन के अभाव में कई बार ऐसी भूमि क्रय कर ली जाती है जो अशुभ साबित होती है और उस पर मकान बनवाने के बाद जीवन नरक बन जाता है। ऐसी अप्रिय स्थिति आपके साथ ना बने, इसलिए कुछ ऐसी बातें जानते हैं जिन पर जरा सा ध्यान देने मात्र से आप बहुत सी कठिनाइयों से बच सकते हैं। जमीन खरीदते समय उसका परीक्षण अवश्य करें, यह आपके लिए शुभ है या अशुभ। दोस्तों इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करते हैं। वैसे तो आजकल हर कोई बने हुए फ्लैट्स ही खरीदना पसंद करता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो ज़मीन खरीदकर अपने तरीके से घर बनवाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि नए घर में अचानक से परेशानियां आने लगती हैं। इसका कारण घर में वास्तु दोष का होना है, इसलिए ज़मीन खरीदते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कब्रिस्तान या उसके आसपास की जगह पर घर बनाना बिल्कुल भी सही नहीं होता है। ऐसी जगह घर बनवाने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है, इसके कारण घर परिवार पर संकट आता है। यही नहीं, इससे घर के सदस्यों की अकाल मृत्यु का खतरा भी हो सकता है। अस्पताल या उसके आसपास की जमीन भी वास्तु के अनुसार घर बनवाने योग्य नहीं होती है। ऐसे वास्तु दोष के कारण अकारण बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। जिन लोगों को प्राकृतिक सुंदरता और शांति का माहौल पसंद होता है, वे आबादी से अलग अक्सर ऐसे इलाकों में घर बनाकर रहते हैं जहां नदी और पहाड़ों का प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिले। लेकिन वास्तु के अनुसार नदी के आसपास वाली जमीन से भी वास्तु दोष पैदा होता है। ऐसे जगहों पर बने घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ज़्यादा पेड़ पौधों वाली जमीन पर भी घर नहीं बनवाना चाहिए। ऐसी जगह उजाड़ वाली मानी जाती है, यहाँ इंसान के लिए रहना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। वास्तु के मुताबिक पेड़ पौधों को उजाड़ कर अपना निवास बनाने से पेड़ पौधों की बद्दुआ लगती है। दोस्तों हमेशा दोस्तों जमीन खरीदते समय उसका परीक्षण करके देखना चाहिए। वास्तुशास्त्र में भूमि की परीक्षा चार प्रकार से करने को कहा गया है। अमुक भूमि शुभ है या अशुभ, इसकी परीक्षा करने के लिए गृह मालिक के हाथ से ग्रह के मध्य में एक हाथ चौड़ा और एक हाथ गहरा गड्ढा खुदवाएं, फिर उस गड्ढे को उसी मिट्टी से भरें। यदि गड्ढा भरने में मिट्टी कम हो जाए तो अशुभ, ठीक ठाक हो जाए तो सामान्य, और गड्ढा भरकर मिट्टी ज़्यादा हो तो शुभ होता है। भूमि परीक्षा को लेकर वास्तुशास्त्र में बहुत सी सामग्री दी गई है और कहा गया है ततो भूमि परिच्छेद वास्तु ज्ञान विशारद, यानी वास्तुशास्त्र विद्या के ज्ञाता को सबसे पहले विभिन्न प्रकार से भूमि की परीक्षा करनी चाहिए। यज्ञ कुंड मंडप आदि निर्माण हेतु शुद्ध सोम बुध गुरु या शुक्रवारों में रिक्तादि निंदित तिथियों को छोड़कर गतिपात आदि शुभ योग रहित शुभ दिनों में मंडप भूमि के परीक्षण हेतु 5 ब्राह्मणों को लेकर जाएं। यह भूमि यज्ञ योग्य है या नहीं, इसकी परीक्षा करने हेतु उस भूमि पर कोई घास तृण हो तो उसे जला दें। तत्पश्चात
नाम मात्र भूमि खोदें और उस गड्ढे को जल से परिपूर्ण कर दें और पुष्प हवाचन करें। दूसरे दिन आकर देखें, अगर जमीन फट जाए, उसे हड्डी वगैरह अशुभ वस्तुओं दिखें, तो वह भूमि हवन योग्य नहीं है। आप भूमि का परीक्षण इस तरह से भी कर सकते हैं। इसके लिए एक हाथ गहरा एक हाथ चौड़ा गड्ढा सूर्यास्त के समय खोदकर जल से भरना चाहिए। प्रातःकाल यदि उसमें जल बचा हुआ मिले तो शुभ, जल नहीं रहे तो मध्यम, यदि जमीन फट जाए उसे अशुभ मानना चाहिए। खाद, नींव के लिए भूमि खोदते समय पिपली का दीमक अजगर वगैरह दिख पड़े तो उस भूमि पर निवास नहीं करना चाहिए। यदि तुस भूसा सर्प का अंडा आदि दिखे तो मरणप्रद कष्ट होता है। बाराटी का कौड़ी दुख और कलह देती है। फटे हुए कपड़े विशेष दुख देते हैं। जला हुआ काष्ठ कोयला रोग प्रदान करता है। थप्पड़ से कलह और लोहे से ग्रह कलेशता का मरण होता है। हड्डी कपाल केशादी का मिलना भूस्वामी के आयु का नाश करता है। परंतु यदि नींव खोदते समय गोश रंग शंख सुक्ति कछुआ मिले तो शुभ होता है। भूमि खोदते समय यदि पत्थर मिले तो सुवर्ण का लाभ होता है। यदि ईंट मिले तो समृद्धि होती है। द्रव्य मिले तो उत्तम सुख और ताम्र इत्यादि धातु मिले तो ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। जिस भूमि पर सांप या बिच्छू रहते हों, ऐसी भूमि मकान बनवाने के योग्य नहीं मानी गई है। सांप बिच्छू आदि जीव राहू के प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए इनके निवास वाली भूमि राहु प्रधान कहलाती है। इस प्रकार की भूमि पर मकान बनवाने से घर में रोगों का वास होता है। यदि भूमि पर दीमक का घर बना हो, ऐसी जमीन मकान बनाने के लिए सर्वदा निषिद्ध मानी जाती है। दीमक भी राहु का प्रतीक है। दीमक वाली जमीन पर मकान बनवाने से घर में सदा आर्थिक संकट बना रहता है। व्यवसाय में घाटा होता है। बार बार कर्ज लेने की स्थिति बनती है। घर में लगातार बीमारियां बनी रहती हैं और परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु तक हो सकती है। ऐसी भूमि पर रहने वाला व्यक्ति काम वासना से युक्त षड्यंत्रकारी हो जाता है। मांस मदिरा का सेवन करने लगता है। जुआ लाटरी सट्टा आदि के चक्कर में पड़कर आर्थिक क्षति की स्थिति भी बनती है। शनि प्रधान भूमि रहने के लिए वर्जित। जिस भूमि पर बंदरों का वास हो वह शनि प्रधान होती है। जिस प्रकार की भूमि मकान बनाने के लिए अनुपयुक्त मानी गई है, ऐसी जमीन पर मकान बनाने से घर में दुख दरिद्रता का वास होता है और नित्य शौक व भय बना रहता है। इस भूमि पर रहने वाले व्यक्ति को परिश्रम अधिक करना पड़ता है, फिर भी हर कार्य विलंब से होता है। शनि प्रधान भूमि रहने के लिए वर्जित है, पर बिजनेस के लिए बहुत हितकारी है। ऐसी भूमि पर लगाए गए कारखाने अवश्य फलते फूलते हैं। सापित भूमि, कुछ प्लाट या जमीनें सापित या बाधायुक्त होती हैं। ऐसी भूमि पर मकान बनाने वाले कभी भी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहते। उनके मन में बराबर अशुभ एवं डरावने विचार आते रहते हैं। इस तरह के विचारों में फंसकर वे खुद भी चिंताग्रस्त बने रहते हैं। ऐसी भूमि पर कदम रखते ही मन में अजीब से भाव आने लगते हैं। बिना जानकारी के भी ऐसा भान होने लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। सुनसान रहस्यमयी या खंडर जैसी जगह इस श्रेणी में आती है। ऐसी भूमि पर निवास करने से मन में पाप या भाव को विचार की उत्पत्ति हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों परिचितों को भी शेयर कीजिए ताकि वह भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।